बड़ी खबर यह है, भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ की लाज रख ली। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। यहाँ की परिकल्पना आप ऐसे कीजिए, ये एक और गलवान जैसा इंसिडेंट चाइना करना चाहता था। काल चक्र कुछ वैसा ही था, परिस्थिति कुछ वैसी थी, समीकरण कुछ वैसे ही थे। यहाँ देखिए रोहित भाई, 2006 में यहाँ LAC डिमार्केटेड है, यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, 16 साल से कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे। और हम अब ये क्या किस चक्कर में थे, भारत ने कहा मैंने इतनी तैयारी की है, इनको पता था, हमने बात भी की, मैंने और चैनलों पे भी बात की कि भारत ने अरुणाचल में क्या तैयारी की थी, आपके साथ भी बात हुई थी शायद। अब भारत की अरुणाचल में तैयारी को देख ले, चाइना बौखलाया था, उन्होंने लगा था भारत लगेगा लद्दाख में, अरुणाचल से आएंगे। अब ये सारा पूरा जो बॉर्डर है, इसमें भारत ने वॉर फुटिंग पे तैयारी की। मैं एक दो इसमें इंटरव्यू भी कर चुका, नेशनल टीवी पे डिबेट्स भी कर चुका हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया। और रोहित भाई, हम तो वो बताते जो हमें पता, जो पब्लिक मीडिया में, दैट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग, बाकी क्या क्या वो हमें भी नहीं पता। चाइना ने बोला था कि भारत का रेस्पॉन्स टाइम बड़ा है। अब इनके दिल में चोर था, इनके इरादे काले थे, इनकी नीयत में खोट था। इन्होंने सोचा कि भारत को हम ये दोस्ती का चूरन, अमन की आशा की गोली, और ये जो बातचीत का ये जो हम ना ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, और वक्त आके ही पीठ पे छुर्रा बोकेंगे। तरीका ये था, तैयारी ये थी। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका था पीछे कि ये जरूर होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच आसिम मुनीर के आने के बाद। ये मैं अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला, कूप पे भी डाला, दिस विल हैपन, और आपके शो भी बोल चुका हूँ, आप चैनल पे बोल चुका हूँ। कारण क्या है, देखिए जब कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी अब विड्रॉ करनी पड़ रही काफी जगह, प्रोटेस्ट बोले जी चाइना में हो रहे हैं, चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.1 पे आ गया, 2.4 से 2.1 पे आ गया। अभी आपको कंफर्म कह रहा हूँ, चाइना एयरलाइंस पहले बैंकक्रप्ट होगी एज कम्पेयर टू चाइना रेलवेज। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बंटाधार हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म है, $350 बिलियन की इंडस्ट्री। आपने देखो कल परसों इंटेल के बॉस ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये कहा है कि विल बी मूविंग अवर बिजनेस टू इंडिया। इंटेल कौन है, सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर और सबसे बड़ा CPU मैन्युफैक्चरर, उसने बोल दिया हम अपना बिजनेस इंडिया ला रहे हैं। ये स्थितियां, ये परिस्थितियां ओपन है, ये कोई मैं मेरा कोई इल्यूजन परसेप्शन नहीं है। अब जैसे शी पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि लोग काम मांग रहे हैं, लोगों को बहुत 15 दिन में ये समझ आएगा कि जीरो कोविड नाम की एक बहुत बड़ा धोखा किया गया उनके साथ। क्योंकि अगर जीरो, अगर कोविड है तो 14 दिन, डेल्टा का साइकिल है 14 दिन में, तो फिर 10-20-50-100 मिलियन लोग मरने चाहिए। अगर 100 मिलियन लोग नहीं मरे तो ये सब नकली था, फर्जी था। परत पर परत झूठ की पटिया खुल रही है। यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए शरीफ और भुट्टो जाते हैं चाइना। चाइना जिसने इनको बाढ़ के लिए चवन्नी नहीं दी $70,000, ये कहते $10 बिलियन लो, 10 बिलियन डॉलर। कहते क्यों, कहता $4 बिलियन की रिस्ट्रक्चर, $6 बिलियन का लोन, किन शर्तों पे, किन टर्म्स पे। चाइना के पाकिस्तान के पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है, लास्ट में फातिमा जिन्ना पार रखी थी, आपकी बार गिरवी रखते हुए कुछ नहीं है। तभी से मेरी शक की सुई गई थी, चाइना एक ही सूरत में पैसे देगा, यू हैव टू इंक्रीज योर हीट ऑन द LAC एंड LOC। LAC पे हम करेंगे, LOC पे तुम करो। क्यों, देखो चाइना लड़ने की परिस्थिति में नहीं है, ना ये टाइम लड़ने का, ना ऑल्टीट्यूड लड़ने का, खास कर सकती हूँ। उन्हें लगा कि अगर हम LAC LOC पे आउटलुक को हीट करेंगे, इंडिया को परेशान करेंगे, उससे करेंगे क्या, जो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक है जो अब 6.9% दिख रहा है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, दिखाएंगे इंडिया हैज प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बॉर्डर। ऐसा नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम इनके यहाँ भी है, दिक्कतें इनके यहाँ भी है। ये सारी तनकी कवायद है इंडिया को रोकने के लिए। और दूसरी चीज, व्हाट विल जी डू टू टेक द प्रेशर आउट ऑफ चाइना, उसका लोग हिसाब मांगेंगे, बोलेंगे तूने हमें धोखा क्यों दिया, 14 दिन से पहले उसने ये गेम शुरू कर दिया। अब देखिए पीछे इस इंसिडेंट के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स BSF पे फायरिंग करते हैं, ये फायरिंग कहीं महीनों बाद होती है, और उसके अगले दिन LAC की घटना होती है। 300 लोग आए, कमांडर के आदेश के बिना नहीं आएंगे ना, पेट्रोल पार्टी में 10-12 लोग होते हैं, हमारा पेट्रोल उनके पेट्रोल से बढ़ जाए, ये समझ होता हो सकता है। 300 लोग आए, तैयारी के साथ आए, आदेश के साथ आए, और ये एरिया था सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, शी जिनपिंग को। तो मतलब जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड का जनरल जाओ है, जो भी आजकल उसका, उसकी सहमति थी, वो बिना शी के LAC को कार पार करने की औकात नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता, तो इसमें कहीं ना कहीं शी की मंजरी थी। जब शी पे टेंशन बढ़ा, उसने क्या किया, पाकिस्तान की ओर से BSF पे फायरिंग कराई, यहाँ LAC पे अटैक किया। और मेरे का ये भी अनुमान है, जो प्रेशर बढ़ेगा तो साउथ चाइना सी में भी वो कोई ना कोई थिएटर शुरू कर सकता। आई एम यूजिंग द वर्ड थिएटर, तमाशा, ड्रामा, नॉट अ वॉर। शी कैनॉट अफोर्ड अ वॉर, ही नोज इट वेरी वेल। ये रोहित भाई परिस्थिति हो रही है हमारे यहाँ, ये परेशानी हो रही है हमारे यहाँ, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और ये तो माता रानी की कृपा है, महाकाली का आशीर्वाद है हम पे, महादेव की अनुकंपा है। वरना इन्होंने सोचा नहीं था भारत की इतनी तैयारी, इन्होंने सोचा नहीं था कि इतने ठंड में इतने लोग आएंगे, इन्होंने सोचा था हम इनको विल टेक दम बाई, मतलब ना सरप्राइज, और भारत की तैयारी नहीं होगी। पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर आप मीडिया के कुछ खबरों का आकलन करें तो हमारे 6 से 9 सैनिक जख्मी है, पर इनके 20 से 30 सैनिक जख्मी बताए जाते हैं, बहुत बुरी तरह से जख्मी है, हो सकता कोई निकल भी गया, पर ये बताएंगे नहीं। देखिए गलवान में इन्होंने कितने टाइम बाद माना, 111 खबरें, पहले करे 2-4 कोई नहीं। अब मेरा अनुमान 135 और 135 ही है, चलिए 111 की भी लेते हैं, 20 वर्सेस 111, देखिए 1:5। अब यहाँ 6 वर्सेस 30, अगेन 1:5। तो 2 साल बाद भी चाइना को उतना ही मार मार के, पीट पीट के, खदेड़ के भगाया, और हम तैयार नहीं थे। पर हमारी भी इंटेलिजेंस थी, हम भी को अफीम अफीम पी के तो सूंघ नहीं, अफीम सूंघ के तो सो नहीं रहे। और रोहित भाई, ना ही वो अमन की आशा वाले दिन है, ये अमन की आशा वाशा नहीं, सब फ्लॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शायराना ख्याल है, ये शायरी की किताबों में अच्छे लगते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे नहीं लगते।
आज हमारा बाहुबल है, हमारी जवानों का बाहुबल है, हमारा सैन्य बल है, तभी और आपको और मेरा घर साफ है। जब हम 9 तारीख को, 9 तारीख क्या सैटरडे की बात कर रहे हैं, संडे की, सैटरडे की बात कर रहे थे। अब सैटरडे तो वैसे ही महाकाली की पूजा होती है सैटरडे को, तो शनिवार को कौन हमें जीत लेगा, किसकी औकात इतनी है? काली के भक्तों को शनिवार को जीतने की औकात ही किसी की नहीं। तो सही बात मैं है। आपको नहीं कह रहा था कि ये जो हमारी चीज है इसमें देखिए, चाइना को प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। चाइना सांप की तरह है, सांप क्यों काटता आपको? आपसे उसको दुश्मनी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति है, उसको काटना ही आता है, उसको और कुछ आता ही नहीं। वो नागिन पिक्चर की तरह नहीं, आपकी आंखों में उसकी पिक्चर आ गई और आपको ढूंढ रहा है और सपेरा भी नहीं, उसको काटना ही आता। सांप की आंखें नहीं होती बाय द वे, स्नेक्स आर ब्लाइंड बायोलॉजिकली स्पीकिंग, बट वो वाइब्रेशन से सेंस करते हैं। तो रोहित भाई, चाइना को फिर एक मैसेज दी गई, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है, चाइना हैज ओपन वन मोर फ्रंटियर इन अरुणाचल नाउ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एलएसी नाउ, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट अरुणाचल। और मेरा अनुमान है कि चाइना फ्रंटियर और खोलेगा। चाइना एक और चीज से तिल मिलाया हुआ था रिसेंटली, हमने ऑपरेशन युद्ध अभ्यास किया था अमेरिका के साथ ओली पे। ओली में क्या था, ओली की हाइट वही है एलएसी वाली, ओली का क्लाइमेट वही है, ओली की वेदर कंडीशन वही है। इसको देखते हुए चाइना को बहुत हड़कबा, बहुत घबराया था। चाइना ने बोला था कि ये कोई एग्रीमेंट का उल्लंघन है, अमेरिका ने कहा था नन ऑफ योर बिजनेस, हमने कहा था माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस दिन के बाद जो एक खुल के इंडिया और यूएस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की प्रैक्टिस कर रहे थे ओली में, तो ये एक मैसेज कहीं ना कहीं चाइना को था। अब जी जिनपिंग जब हर तरफ से आप घबराया हुआ, बौखलाया हुआ है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू टेक द अटेंशन आउट ऑफ चाइना। वो चाहता है अटेंशन को मेनलैंड चाइना से दूर ले जाए, बॉर्डर पे ले जाए, साउथ चाइना सी में ले जाए, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान पे ले जाए। तो ये सब कवायदे करेगा, क्योंकि उसके पास ये सब नाटक करने के अलावा कोई और चारा नहीं, क्योंकि 14 दिन में उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। या तो रोहित भाई 14 दिन में, 18 दिन में 50-100 मिलियन चाइनीज मरेंगे, जो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, या ये सारा जीरो कोविड सब नकली था, सब ड्रामा था। और इकोनॉमी का क्या करिएगा, इकोनॉमी तो बद से बदतर हो रही है आपकी, आपकी एक एक इंडस्ट्री जा रही है, एक डिकपलिंग हो रही है आपकी। जर्मनी ने भी अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोली दिया कि हम इंडिया के साथ अपना सारा बिजनेस मूव कर रहे हैं, बट दे हैव सेड सेंसली इंडिया इज नॉट अ ऑल्टरनेट टू चाइना, बट दे डिड नॉट से व्हेन एंड अंटिल व्हाट। 40% रॉ मटेरियल जर्मनी का चाइना से आता है, हमें पता है। और यूरो जो यूरोपियन ट्रेड डील थी उसमें पूरा यूरोप जर्मनी के कारण ही फंसा पड़ा था। अब यूरोपियन यूनियन खुद कहता है जी हमसे एफटीए कर लो, मगर एफटीए जल्दी कर लो। ये जो एफटीओ की बौछार लग रही है इंडिया के साथ, ये जो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक बढ़ रहा है, ये जो इंडिया बाय पीपीपी विल बी नंबर सेकंड इकोनॉमी या नंबर फर्स्ट भी चले जाए और चाइना पीछे जा रहा है, ऐसे में शी जिनपिंग क्या करेगा? कुछ ना कुछ ड्रामा तो करेगा, कहीं ना कहीं अपनी औकात तो दिखाएगा। पर अब की बार जितना मार और पीट के भगाया ना चीनियों को, मेरे को कोई कह रहा था नॉर्थ ईस्ट में गोलगप्पे कहते हैं, अब गोलगप्पे को थोड़ा सा खिला दो पिचक जाता है, बस ये पिचकारी आपकी बार। रोहित भाई 300 लोग आए थे, 300, और ऐसा मारा है, ऐसा पीटा है, बिना कहते ना वो बिना लंगोट के भागे आपकी बार। या